चलिए बढ़ते आगे। कोरोना महामारी ने राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करने वाले युवाओं के ख्वाबों को बड़ा झटका दिया है। अभ्यर्थी पहले से ही लेट लतीफी के शिकार होती रही भर्तियों के समय पर पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। कोरोना लॉकडाउन ने इन्हें अभी भी बेरोजगारी के साथ नौकरी का लंबा इंतजार थमा दिया है। राज्य में करीब 50,000 पदों की 3 दर्जन से ज्यादा भर्ती परीक्षाएं अटकी हैं। किसी में परीक्षा नहीं हुई तो किसी में पूरी प्रक्रिया के बाद भी नियुक्ति नहीं मिली है। इस संकट ने सब कुछ रोक दिया तो फिर ये सपने पूरे कैसे होते हैं? कई सारी परीक्षाएं हैं, 3 दर्जन से ज्यादा भर्ती परीक्षाएं 50,000 पदों की अटकी हुई हैं। किसी में परीक्षा नहीं हुई है तो किसी में पूरी प्रक्रिया तो हुई लेकिन नियुक्ति नहीं मिली। आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड सहित अन्य विभागों की दर्जन भर भर्तियां लंबित है, कोई कोर्ट में लंबित है, किसी का परिणाम जारी होना बाकी है और जिनका परिणाम जारी हो गया उनकी ज्वाइनिंग बाकी है और किसी की परीक्षा तिथि जारी होना बाकी है। इसको लेकर लगातार बेरोजगार सोशल मीडिया पर या ट्विटर वार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से गुहार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो लंबित भर्तियां हैं उनकी प्रक्रिया शुरू की जाए। और चलिए सीधा रुख करते हैं सहयोगी महेश दाधीच का, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। महेश, एक रूप में न सही दूसरे रूप में ही, लेकिन बेरोजगारों के सामने कोढ़ में खाज की स्थिति हमेशा से रही है। देखिए, बिल्कुल समय समय पर सफिल हम बेरोजगारों की समस्याएं, उनकी जो परेशानियां हैं वो दिखाते रहे हैं। प्रदेश भर के जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, वो भले ही आरपीएससी की हो या आरएसएसबी की हो, इन परीक्षाओं के लिए वे राजधानी में आकर के एक मोटा खर्च यहाँ पर अपनी तैयारियों में करते हैं, कोचिंग की फीस चुकाते हैं, किराए पर रह करके यहाँ पर तैयारी करते हैं। लेकिन उसके बाद भी जब उन्हें एक लंबा इंतज़ार यहाँ पर मिलता है तो वो कहीं ना कहीं जो है उनके लिए निराशाजनक होता है। और पहले तो प्रशासनिक लापरवाही, कोर्ट के चक्कर में उलझने जैसे कारणों के चलते यहाँ पर जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो अटकी है, और उसके बाद में अब जब ये कोरोना संकट आ गया है तो करीब 2 महीने का समय तो यहाँ पर ये तय है, और आगे आगामी दिनों में किस तरह से परीक्षाएं संभव हो सकेगी ये अब सबसे बड़ा चुनौती का विषय बन गया है। भले ही वो आरपीएससी हो या आरएसएसबी हो, आरएसएसबी के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर बीएल जाटावत, उनसे हमारी बात हो रही थी तो उनका ये कहना कि अभी उनके लिए ये विचार करने वाली बात है कि अब किस तरह से परीक्षाएं हो सके उसे लेकर के वे चिंतित हैं, और आगामी दिनों में जो पाइपलाइन में परीक्षाएं हैं जिनको कि अभी हाल ही में अप्रैल और मई में होने वाली परीक्षाएं जो थी उनको रद्द किया गया, अब आगे किस तरह से उन्हें कराया जा सकेगा, उनका कहना है कि उसे लेकर के अभी फिलहाल चिंतन किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि महेश जिनकी बातचीत कर रहे हैं मैं आगे आपके पास आता हूं। आरएसएसबी के चेयरपर्सन बीएल जाटावत जी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जाटावत साहब, किस तरह की परेशानियां हैं, मैं स्वागत करता हूं आपका न्यूज 18 राजस्थान पर, किस तरह की परेशानियां हैं जिनका जवाब खोजा जा रहा है? सर्वप्रथम आपको धन्यवाद जी। वर्तमान हालात जो है हमारे अभी वो सामान्य स्थिति नहीं है, और हमारी जो परीक्षाएं आयोजित हम करते हैं वो जिला प्रशासन के माध्यम से होती है। ठीक, लगता है उनसे मेरा संपर्क टूट गया है। बहरहाल महेश मेरे साथ बने हुए हैं। महेश, हमारे सहयोगी दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक मैं आपसे बातचीत आगे बढ़ाना चाहता हूं। और महेश, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक अहम बात और है कि मान लीजिए जो नियुक्तियां रुकी हुई है, अगर वो नियुक्तियां समय पर हो जाती तो आज जो स्टाफ जमीन पर काम कर रहा है उनके लिए एडिशनल मदद होती, क्योंकि इन्हीं नियुक्तियों में से किसी को सर्वे के काम पर लगाया गया है, इन्हीं नियुक्तियों में से किसी को किसी और काम में रखा गया है। एक तरह से लेट लतीफी इस रूप में भी भारी पड़ रही है कि हम पूरे साजो सामान और पूरी ताकत के साथ इस महामारी से नहीं लड़ पा रहे।
बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से चिकित्सा विभाग की बात करें, शिक्षा विभाग या फिर निगम में सफाई कर्मी जो कि इस समय कोरोना योद्धा बनकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, और इन विभागों की जो करीब 50,000 पदों की जो ये भर्तियां हैं, जो 3 से 4 दर्जन की जो भर्तियां हैं वो लंबे समय से अटकी हुई, और 2018 की जो भर्तियां हैं खासतौर पर उनका अभी तक जो है परीक्षाएं नहीं हो पाई, और जिनके परीक्षाएं हो गई है उनके अंतिम परिणाम जारी किए जाने और नियुक्तियां जो दी जानी है वो भी बाकी है। मसलन एलडीसी के मामले में अभी जो जिस तरह से जिला आवंटन की जो कोशिश है कवायदे वो चल रही है, हालांकि सरकार इसे लेकर के गंभीर भी नजर आई है, लेकिन इसके बाद भी जो बड़ी तादाद में जो भर्तियों की फहरिस्त है उनके जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार डिमांड कर रहे हैं, और अपनी जो मांगे हैं वो ट्विटर के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना संकट के दौरान लॉकडाउन जारी है और इसमें वे सड़कों पर नहीं आ सकते। आमतौर पर अपनी बातें वे आंदोलन के जरिए, हड़तालों के जरिए रखते आए हैं, लेकिन इस समय सोशल मीडिया के जरिए अपनी मांगे रख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में वो पीड़ा भी जता रहे हैं। जिस तरह से आज लॉकडाउन में श्रमिक वर्ग परेशान है और जिस तरह से लोगों की संवेदनाएं सामने आई है, उसी तरह से वे भी अपनी यहाँ पर जो पीड़ा है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने कर्जा लेकर के यहाँ पर परीक्षाओं की तैयारी की, और अब जब उनके परिणाम नहीं आ रहे हैं, उनकी जो परीक्षाएं नहीं हो पा रही है, तो उनका एक अदद नौकरी का जो ख्वाब है वो फिलहाल यहाँ पर पूरा नहीं हो पा रहा है और उन्हें रोजगार की आस है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखिए जयपुर के 12 साल के जख्म।